हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि कैट से बच्चा की हेयर कटिंग लेकर आने के लिए अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीक़ा से हम कितना बारीकी से काम किए हैं और सिखाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। और यहाँ से आप लोग कोन के नीचे से आप लोगों को चारों साइड से पहले गोलाई करना है। अगर आप लोग पहली बार आए होंगे इस चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पर जरूर करना ताकि आप लोग के पास पहुंच सके। तो चलते हैं कटिंग की ओर। आप लोग ध्यान से देखना और पूरे ध्यान से ताकि आप लोगों को एक भी स्टेप छूटे नहीं और कहीं भी समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं हो। यहाँ बच्चा थोड़ा सा बदमाशी करेंगे तो यहाँ पर कोई तरह जल्दीबाजी नहीं करना है, बच्चे को प्यार से काम करना है और समझा के रखना है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कितना बदमाशी कर रहा है बच्चा, फिर भी आप लोग को जल्दीबाजी नहीं करना है और पूरे स्टेप बाय स्टेप करना है। चलते हैं दूसरी साइड, सेम उसी तरीका से यहाँ से भी आपको कोण से नीचे से लेना है करीब 1.5 इंच करीब में, और जहाँ तक हम कटिंग करके छोड़े हैं उसमें जाके मिक्स करना है यहाँ पे। उसके बाद जो है जितना भी लाइनिंग जो किए हैं उसके नीचे जितना भी हेयर है उसको रिमूव करेंगे जीरो मशीन से चारों साइड का। उसके बाद आप लोग को हर एक स्टेप बाय स्टेप बताएँगे और आप लोग कहीं भी स्किप मत करना ताकि आप लोग कोई ना कोई स्टेप छूट जाए या कहीं पे परेशानी हो सकती है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो इस प्रकार से जो है आप चारों साइड से कटिंग कर सकते हैं, जो कि आप देख चुके होंगे थोड़ा सा थोड़ा छूट रहा है बाल। और यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है, आप अच्छा तरीका से इस प्रकार से आप लोग चारों साइड से क्लीन कर लेना है पहले जीरो से। उसके बाद आप लोग क्या करना है आपको पूरा बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये आपका दूसरा स्टेप ख़त्म हो चुका है, तीसरा स्टेप में आप लोग क्या करना है, एक नंबर क्लिप लेना है यहाँ पे और करीब 1/2 इंच या 1 इंच करीब में यहाँ से आप लोगों को कटिंग करना है, जो कि आप लोग ये भी पूरा देखना ताकि यहाँ बच्चा है यहाँ पे बहुत ही बारीकी काम करना पड़ेगा आप लोग को। तो जल्दीबाजी यहाँ अपने करें, एक एक स्टेप देखें और पूरा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे 1/2 इंच करीब में कटिंग कर चुके हैं, यहाँ पर करीब 1 इंच होगा तो फिर आपको दोबारा कर लेना है। एक बार अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ बच्चा और थोड़ा सा भी हिला डुला तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे ख़राब हो सकता है बाल, इसलिए आप लोग धीरे धीरे करके पूरा कट कंप्लीट करें बाल। और इस तरीके का कटिंग करने में कोई तरह की परेशानी आप लोगों को नहीं हो, क्योंकि बच्चा कभी भी हिल सकते हैं, अगर हिल गए तो वहाँ पर ट्रिमर आपका बाल ख़राब कर देगा वहाँ पर, इसलिए आप लोग धीरे धीरे करके बाल को चारों साइड से पहले जैसे हम पहले जीरो किए फिर कट किए फिर जीरो किए फिर 1 कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख लें यहाँ पे 1 इंच करीब में हम कर चुके हैं चारों साइड से, देख लें पूरे कंप्लीट होगा। यहाँ के बाद जो है आप लोग को स्लोप कैसे करना है ये आप लोग को देखना ज़रूरी है। यहाँ पे देख लें एक नंबर क्लिप जहाँ तक हम कटिंग किए हैं वहाँ तक आप लोग को कंघी इस प्रकार से ले जाना है, उसके बाद आप लोग को उठाना है कंघी और इस प्रकार से कटिंग करना है चारों साइड से। जब तक यहाँ पर बाल पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो जाए तब तक आप लोग को इस तरीक़े से मिलाते रहना है चारों साइड से, और जो 0 और 1 के बीच में जो गैपिंग है जो कि नहीं मिला है उसको कैसे मिलाना है वो आपको बताएंगे। इससे पहले आप लोग चारों साइड से देख लें जो हम कैसे कटिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पे तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को सीखने में और कटिंग करने में। अगर आप लोग को कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और कहीं भी समझ में नहीं आए तो वो भी आप लोग ज़रूर बताना ताकि हम हर एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से बताने की और प्रयास करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें और सीख सकें। तो इस प्रकार से यहाँ पे कटिंग कर चुके हैं और पूरे तरीके से अभी मिला नहीं है, तो दूसरी साइड भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे हम बताए थे जहाँ तक हम एक नंबर क्लिप से हम जो कटिंग किए हैं ट्रिमर से वहाँ तक आप लोग कंघी को ले जाना है, उसके बाद यहाँ देख ले यहाँ से आप लोग को उठाना है ऊपर की ओर इस तरीक़े से कंघी पर, उसके बाद बाल को कटिंग करना है। ये आपका हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बाल को पहले, उसके बाद क्या करना है आप लोग पूरे चीज़ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको ध्यान रखना, कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, इतना अच्छा तरीका से आप लोग कोई नहीं बताएगा और आप लोग देखे भी नहीं होंगे वीडियो इस तरीक़ा से सिखाने की। यहाँ पर जो देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में जो मिलाना है वो आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले आप लोग आगे का जो है इस तरीके से कटिंग कर लें बाल को ट्रिमर से। यहाँ पे ब्लेड नहीं लगाना है आप लोग को, उस चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करना है दांत को थोड़ा सा पीछे कर लेना है ट्रिमर का
और उसके बाद जो है आप लोग को दाब के चलाना है, और जहाँ से 1 नंबर क्लिप है वहाँ से आप लोग को उठाना है ऊपर की स्लोप में। इस तरीका से जब तक बाल मिले नहीं तब तक आपको मिलाते रहना है, क्योंकि बच्चा अगर आप लोग यहाँ पर जल्दीबाजी करेंगे बच्चा अगर थोड़ा सा भी हिला तो यहाँ पर बाल पूरी तरीक़ा से जीरो हो सकता है, छिला सकता है ऊपर तक, तो आप लोग को बाल ख़राब ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हल्का हल्का करके आप लोग बाल को अच्छा तरीक़ा से मिलाएँ। यहाँ पे जल्दीबाजी आप लोगों को करना ही नहीं है, और यहाँ पे देख लें जो कि छूट रहा है अभी भी पूरा तरीके से नहीं मिला है। यहाँ पे जब तक मिलेगा नहीं तब तक आप लोगों को छोड़ना नहीं है, पूरे अच्छी तरीके से स्लोप में जब भी टीमर चलाएं देखें यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, टीमर ऊपर की ओर चलेगा इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग को चारों साइड का मिक्स करना है पहले, उसके बाद ऊपर वाला जो बाल है उसका यहाँ पर दो स्टाइल में आप लोग रख सकते हैं बाल को। एक तो आप लोग को ये हो गया स्टाइल, यहाँ पर बाल भी कम्प्लीट पूरी तरीके से मिल चुका है, मिलाते मिलाते मिल चुका है। आप लोग इस प्रकार से पूरी तरीके से मिलाएं, और बाल एक ये डिजाइन हो गया, इस तरीके से भी आप बाल को रख सकते हैं बच्चे के ऊपर, और एक दूसरा ये डिजाइन है जो कि दोनों बेहतरीन लुक है बच्चे के लिए, और इस तरीके से आप लोग भी कटवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप लोग को हर एक वीडियो मिल सके देखने के लिए।